बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, बदनज़री से मुतालिक आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बदनज़री से मुतालिक नकद सज़ा के बारे में और बदनज़री से बचने पर इनाम के बारे में। दोस्तों, आपको मालूम है कि बदनज़री कितना बड़ा गुनाह है, इसलिए एक वीडियो उसके लिए काफ़ी नहीं हुई। फिर जब दूसरी वीडियो के सिलसिले में हमने कोशिश की, तब भी हमने महसूस किया कि दूसरी वीडियो भी बदनज़री के लिए काफ़ी नहीं, क्योंकि दोस्तों बदनज़री एक ऐसा गुनाह है जिसका ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा है। लिहाजा हमने तीसरी वीडियो पर मेहनत शुरू की ताकि बदनज़री से मुतालिक जो अहम बातें रह गई हैं उसको भी आपके सामने पेश किया जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बदनज़री की किस्में और बदनज़री की वजह से मिलने वाली नकद सज़ा को आपके सामने बयान करेंगे और उससे बचने पर जो इनाम मिलेगा उसको भी आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए आपको बताएंगे। दोस्तों, बदनज़री करने से जो अल्लाह पाक के यहाँ गुनाह मिलेगा वो तो है ही, इस दुनिया में इस गुनाह की जो नकद सज़ा मिलती है वो भी कम नहीं है। दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बदनज़री कहते हैं गैर महरम की तरफ शहवत की नज़र से देखना। अब दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह घर से बाहर गैर महरम की तरफ शहवत की निगाह से देखना बदनज़री है, इसी तरह बदनज़री की एक किस्म ये भी है कि किसी के मकान में बगैर इजाज़त के रोशनदान खिड़की या दरवाजे से देखा जाए। दोस्तों, इस बदनज़री की नगद सज़ा दुनिया में यह है कि अगर कोई शख्स इस तरह की हरकत करे तो हदीस पाक में प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में इस तरह झांका जा रहा है और घर वालों पर आंखें फोड़ने की वजह से कोई गुनाह भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि बदनज़री की दुनिया में नगद सज़ा कितनी बड़ी दी जा रही है। अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आखिरत में इसका गुनाह की सज़ा क्या मिलेगी। बस अल्लाह ताला इस गुनाह से बचना आसान फरमाए। दोस्तों, बदनज़री की एक दूसरी किस्म वो नामुनासिब फ़ोटो वगैरह देखना है जो अखबारों और किताबों में छपे हुए होते हैं या नामुनासिब स्टोरीज़ वगैरह लिखी होती हैं, मैगज़ीन के फ्रंट पेज पर छपी हुई होती हैं। दोस्तों, मोबाइल पर फिल्मों और सीरियल्स में काम करने वाले एक्ट्रेस के फ़ोटो देखना, इसी तरह टीवी पर खबरें सुनने के बहाने से गैर महरम को देखना, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के फ़ोटो खींचकर रखना और तन्हाई में घंटों घंटों ललचाई नज़रों से उसको देखना, या इंटरनेट पर पेशावर लड़कियों की अश्लील तस्वीरें देखना, इसी तरह अश्लील सीरियल सीडी वगैरह देखना, ये सब हराम है। दोस्तों, कुछ लोग शादी ब्याह वगैरह के मौके पर लेडीज़ और जेंट्स की महफिलों के फ़ोटोज खींचकर अपने पास रख लेते हैं और ख़ुद भी उनको देखते हैं और दूसरों को भी दिखाते हैं। दोस्तों, वो लोग ज़रा इस बात पर ध्यान दें कि फ़ोटोज देखकर बदनज़री करना बदनज़री करने से ज़्यादा बड़ा गुनाह और नुकसानदेह अमल है, क्योंकि दोस्तों राह चलते गैर महरम को इतनी बारीकी से नहीं देखा जा सकता जितना फुटेज के जरिए गैर महरम को बारीकी से देखना मुमकिन है। इसीलिए दोस्तों, फुटेज के जरिए देखने से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि अल्लाह ताला दोज़ख की आग से हमें बचा ले। दोस्तों, बदनज़री एक ऐसा गुनाह है कि जिसका दिल पर बहुत गहरा असर होता है। जो शख्स बदनज़री करता है तो उसको नहुसत यह होती है कि उसके दिल में उस शख्स को लेकर जिसको उसने गलत नज़र से देखा है बहुत ही ज़्यादा गलत गलत ख्याल आने लगते हैं जो जहन्नुम की आग को दावत देते हैं। बहुत से लोग गैर महरम औरतों और नौजवान लड़कियों को ललचाई नज़रों से देखते हैं तो उनके दिल में उन गैर महरम औरतों की सूरतें अपनी छाप छोड़ जाती हैं, फिर वो तन्हाई में सोचकर ख्याल के ज़रिए उनसे अपनी शहवत पूरी करने की गलती करते हैं। दोस्तों, इनको इस बदतर काम से बाज आ जाना चाहिए क्योंकि ये दिल का गुनाह है जो कि आंखों के गुनाह से भी बहुत ज़्यादा बुरा है। अल्लाह ताला हम सब की इससे हिफाजत फरमाए। बदनज़री करने वाले का चेहरा बेनूर हो जाता है। दोस्तों, बदनज़री का एक नुकसान ये भी होता है कि इस गुनाह को करने वाले शख्स का चेहरा बेनूर हो जाता है। अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, या तो तुम अपनी निगाहें नीचे रखो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो या फिर अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतें बदल देगा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि बदनज़री करने वाले की सूरत बदलने की शुरुआत इस तरह होती है कि उस शख्स का चेहरा बेनूर हो जाता है। दोस्तों, खूबसूरती के बावजूद भी उसके चेहरे पर कशिश नहीं होती बल्कि चेहरे पर बेरौनक दिखाई पड़ती है। इसीलिए इस गुनाह से बचने की हर मुमकिन कोशिश करना ज़रूरी है। बदनज़री से बचने पर अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनामात। दोस्तों, हमने आपको बदनज़री की किस्में तो बता ही दी हैं,
इस गुनाह की वजह से जो नुकसानात होते हैं उनको भी आपके सामने उजागर कर दिया है। अब इस वीडियो की सबसे आखिरी शक्ल आपके सामने बयान करेंगे, क्योंकि दोस्तों दुनिया में जिस तरह अच्छी चीज़ के बारे में कायदा कानून है कि जब तक लोगों को उसके फ़ायदे मालूम नहीं होते तब तक उस अच्छी चीज़ को अपनाना आसान नहीं होता, इसी तरह हर बुरी चीज़ के बारे में भी कायदा है कि जब तक उससे होने वाले नुकसान और उसको छोड़ने की वजह से होने वाले फ़ायदों के बारे में लोगों को मालूम ना हो तब तक लोगों के लिए उस गुनाह से बचना आसान नहीं होता। अब बदनज़री से बचने पर अल्लाह की तरफ से जो इनाम मिलेगा उसको भी हम आपको बताना चाहेंगे, ताकि लोगों के लिए इस मोहल्लिक मर्ज से बचना बहुत आसान हो जाए। इस दुनिया में अपने आप को बदनज़री से बचाएंगे तो अल्लाह ताला आखिरत में उन्हें दो इनाम अता फरमाएंगे। पहला इनाम यह होगा कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अपने दीदार नसीब फरमाएंगे कि वो अपनी इन आँखों से अल्लाह को देख लेंगे। दोस्तों बदनज़री से बचने वालों पर अल्लाह पाक की तरफ से दूसरा इनाम यह होगा कि बदनज़री से बचने वाली आँखें क़यामत के दिन रोने से महफूज रहेंगी। दोस्तों ये दोनों इनाम आखिरत में सबसे बड़े इनाम हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको ये दोनों इनाम अता फरमाएं। दोस्तों बदनज़री से मुतालिक जितनी भी अहम बातें थी वो हमने आपको बता दी हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे बदनज़री का इलाज कुरान करीम की रोशनी में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।